नमस्कार दोस्तों, मैं आरके ट्रेडिंग से रवि कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग में और आज के इंट्राडे लाइव ट्रेड में। तारीख है दोस्तों 31 अक्टूबर 2018 और समय हो रहे हैं 9:08:13। प्री ओपन का सेशन खत्म हो चुका है दोस्तों एनएसई में और निफ्टी फाइनली 10,209.55 पर सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है, प्री ओपन मार्केट में, यानी 11 पॉइंट अप ओपन हो रहा है कल से। कल जहाँ पे क्लोज हुआ था, कल की क्लोजिंग थी इसकी 10,198.40, आज ओपनिंग हो रही है 10,209.55, यानी 11 पॉइंट की ओपनिंग है। लमसम वहीं पर जहां कल इसने क्लोज किया था वहीं के आसपास ये ओपन भी हो रहा है, ठीक है। तो जरा हम लोग इसके ओपनिंग रेंज पर जो प्री ओपन में ओपन हो रहा है हम लोग वहां पे लाइन लगा देते हैं पहले और देखते हैं अब ये क्या बता रहा है। ये आ गया 10,209.55 का, ठीक है, 10,209 का। अभी निफ्टी बिल्कुल वहीं पर अपने आप को होल्ड कर रहा है, 10,200 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है बिल्कुल उसके ऊपर होल्ड कर रहा है निफ्टी 10,200 के ऊपर। अगर निफ्टी 10,150 के नीचे निकल जाता है, तो फिर ये आपको दिखा देगा 10,000 का लेवल और 10,050 और 10,000 का लेवल आपको आज ही के सेशन में हो सकता है ये दिखा दे अगर निफ्टी 10,150 के नीचे करता है ट्रेड। और अगर इसे ऊपर जाना है तो सबसे पहले तो इसे 10,400 का लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा जो कि इसका हेवी रेजिस्टेंस आ रहा है 10,400 का। यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ही जबरदस्त रेजिस्टेंस है 10,400 के पास इसे। तो जब निफ्टी जब तक 10,400 को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम लोग कोई भी इसमें पॉजिटिव मूवमेंट अभी होगा नहीं। चलिए हम लोग सिर्फ अपना अभी आज जो है इंट्राडे के लिए जो मैंने 3 स्टॉक दिया था 3 स्टार में, मैं भी यहाँ अपना सारे स्टॉक को लगा लेता हूँ एक एक करके। पहला था मैक डबल एन का और दूसरा था एक्सिस बैंक का, तीसरा था UVL का, जो ये तीनों स्टॉक मैंने 3 स्टार में दिया था, ठीक है। और 3 स्टॉक मैं टेलीग्राम पे दे चुका हूँ सुबह में 7:30 के आसपास में अपडेट कर दिया था मैंने। पहला था सर ओरो फार्मा, दूसरा था हैवल्स और तीसरा था टाइटन का, ठीक है, टाइटन का स्टॉक। तो ये 6 स्टॉक आज मेरे नज़र पे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से स्टॉक कहाँ पे ओपन होता है, नहीं ओपन होता है, उसके बाद कहाँ पे ट्रेड बनता है। अगर ट्रेड नहीं बनेगा तो जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है, हम लोग बंद कर देंगे। हाँ, अगर लेवल मिलेंगे, अच्छे से लेवल मिलेंगे हम लोगों को बढ़िया जगह पे तो कुछ पॉजिटिव मूवमेंट, तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, वरना हम लोग सिर्फ वॉच करेंगे। तो दोस्तों समय हो रहा है 9:10:40 और 31 अक्टूबर 2018 है आज डेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग, मैं रवि कुमार। तो चलिए दोस्तों अभी तक रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, फिर जब मार्केट ओपन होगा और मैं कोई ऑर्डर लूंगा तो फिर आप लोगों को अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों मार्केट ओपन हो चुका है, 9:15:40 हो रहा है, 31 अक्टूबर डेट है। मैं एक एक करके पहले सारे स्टॉक्स को देख लेता हूँ, फिर जब वहाँ पे ऑर्डर मिलेगा वहाँ पे हम लोग देखते हैं। मैकडेबल को मैंने 568 के ऊपर बाइंग दिया है, ठीक है, अब ये 568 तो जा नहीं रहा है तो अभी हम लोग वेट करेंगे, जब ये निकलेगा तो देखेंगे, ठीक है। ऑर्डर को लेता हूँ तो फिर मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। एक्सिस बैंक को मैंने 570 के ऊपर बाइंग दिया है, अभी ये तो 570 जा नहीं रहा है। UVL को मैंने 1178 के ऊपर बाइंग दिया है, 1176 चल रहा है अभी। ओरो फार्मा को मैंने दिया है 777 के ऊपर बाइंग और ये स्टॉक बिल्कुल वहीं पर है 777, बस इसके ऊपर एक बार ये क्लोजिंग कर दे 777 के ऊपर तो फिर कुछ मजा आ जाए ओरो फार्मा में। हैवल्स 638 के ऊपर बाइंग है ना, हाँ, और ये 641 जा चुका हैवल्स। देखिए 5 मिनट के अंदर ही इसने हमारा काम कर रहा है, चलिए हम लोग देखते हैं अभी स्थिर होके। और टाइटन को मैंने दिया 838 के ऊपर बाइंग और अभी ये 838 का हाई लगा चुका है लेकिन अभी निगेटिव साइड में, चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने मार्क करके रखा है अपना अपना लेवल, कौन सा कहाँ पर ओपन होता है चलता है, उसके बाद फिर हम कोई ऑर्डर लेते हैं तो आपको अपडेट करते हैं दोस्तों। तब तक स्टॉक वॉच कर रहे हैं, समय हो रहा है 9:17, 31 अक्टूबर डेट है, ठीक है दोस्तों। समय हो रहा है 9:19:20, तारीख है 31 अक्टूबर। अभी तक कोई ट्रेड लिया नहीं है मैंने, ऑल पोजिशन आपको दिखा देता हूँ, अभी बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक है। जब कोई ऑर्डर लूंगा तो आप लोगों को आपके लोगों के सामने लूंगा। अभी तो 5 मिनट वैसे भी मैं कुछ करता नहीं जल्दी, सिर्फ अपने सारे स्टॉक के लेवल को देख रहा हूँ,
कौन सा स्टॉक क्या कर रहा है और नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग अपना लेवल पे वाच रखते हैं। इसे 555 के नीचे सेल है, 568 के ऊपर बाइंग है मैकडेवल एम का, और यूबीएल का दिया था मैंने 1178 के ऊपर बाइंग, 1179 चल रहा है। तो अभी देखते हैं यूबीएल, और हैवल्स 638 के ऊपर बाइंग है, ये 640 चल रहा है। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं सही एंट्री मिल जाए बस। तो एक हमें शायद हैवल्स में एक क्वांटिटी मिल सकता है, 638 के साथ बाइंग मारा, ठीक है, एक बाइंग किया है मैंने। तो चलिए देखते हैं, 600 हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस हो गया है हमारा, एकदम हाई लेवल पे ऑर्डर लगा है। तो 638, 634, 641 पे मिला है, तो 3 रुपए का डिफर आ गया, 38, तो 1 रुपए में, और 640 है, 640 80 पे मिला है मुझे, तो मुझे स्टॉप लॉस 636 पे मैं रखूंगा, 636 के आसपास अभी फिलहाल, ठीक है। चलिए मैंने ऑर्डर ले लिया दोस्तों आप लोग के सामने, समय हो रहा है बिल्कुल 9:20:56 और तारीख है 31 अक्टूबर। चलिए देखते हैं ये हमारा टारगेट देता है या नहीं देता है। हम लोग टारगेट हमारा पहला है दोस्तों 642 का, ठीक है, 642 का, तो 641 पे मैंने लिया ही है, और दूसरा टारगेट है 646 का, तो हम लोग 646 और 45 के लिए वेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने टारगेट रखा। चलिए अब हम लोग वेट करते हैं, 115 का प्रॉफिट हो रहा है, आप यहाँ देख लीजिए 100 क्वांटिटी लिया ऑल पोजिशन, 120 का प्रॉफिट हो गया, चलिए 155 का हो गया प्रॉफिट दोस्तों। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग, मैं रवि कुमार, टारगेट मैंने रखा है यहाँ पे, देखते हैं कवर ऑर्डर में लिया है दोस्तों 100 क्वांटिटी को, 100 को, तो आप लोग देखिए क्या लेवल पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही तरीके से वॉच करते हैं, या तो हमारा स्टॉप लॉस लेगा या तो हमारा टारगेट देगा, ठीक है। स्टॉप लॉस मैं दिखा देता हूँ कि कितना का मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है, कैलकुलेटर लगा के मैंने 640 80 पे बाइंग किया है, और मैंने 636 636 80 पे मैं रुका हूँ, 4 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस है, मैं इसको 636 80 कर देता हूँ, है ना। चलिए मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया, अब वेट करते हैं अपने टारगेट के लिए दोस्तों, चलिए क्या होता है देखते हैं आज। तो अभी आप समय देख लीजिए 9:22 हो रहा है 15 सेकेंड, और तारीख है 31 अक्टूबर 2018। मैं रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ, ऑल पोजीशन आप एक बार देख लीजिए, रिकॉर्ड 10 रुपए का, 30 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, 30 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, अभी रिकॉर्डिंग में पॉज करता हूँ, 65 का प्रॉफिट हो गया। जब टारगेट के पास आएगा, टारगेट 645 है, पहला टारगेट 642 है, तो ये देखिए 642 का पहला टारगेट दे चुका है, तो मैं यहाँ टेलीग्राम पे अपडेट भी कर देता हूँ दोस्तों कि बुक बुक फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट टारगेट इन हैवल्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया। चलिए हमारा दूसरा टारगेट है दोस्तों 646 का, तो मैंने 645 पे रखा है अपना, अभी उससे थोड़ा सा नीचे हूँ, देखते हैं ये जाता है या नहीं जाता है। चलिए फिलहाल रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ दोस्तों। एक ऑर्डर मैकडेवल में लगाया 568 पर, जो मेरा बाइंग लेवल है 568 का, देखते हैं ये लेवल देता है या नहीं देता है, ये स्टॉक एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है, ठीक है। और अभी जस्ट मैंने 50 क्वांटिटी को मैंने बाइंग लगाया, और अभी आपको हैवल्स का फिर से पोजीशन दिखा दूं, तो हैवल्स में लगभग 35 का भी लॉस चल रहा है, 20 का प्रॉफिट चल रहा है, ये चल रहा है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये रुका हुआ है, 65 चल रहा है, और मैकडेवल में मेरा एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। चलिए मैकडेवल में पोजिशन मुझे मिल गया दोस्तों, ठीक है, 568 पे मैंने लगाया था जो बाइंग लेवल है, तो अभी इसका स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, 564 का इसका स्टॉप लॉस मैंने रखा है, 3 स्टार में मैंने दिया था, तो मैंने 564 पे स्टॉप लॉस को मेंटेन कर देता हूँ, 564 पर, है ना, 564 पे मैं स्टॉप प्राइस को लगा दिया, 568 है तो 564 यहाँ कर दिया स्टॉप लॉस, ठीक है। चलिए 568 पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है, अब देखते हैं हमारा टारगेट पहला होगा दोस्तों, टारगेट इसमें हमारा टारगेट होगा पहला 572 का, तो देखते हैं टारगेट 572 पे प्लेस होता है या नहीं होता है। टारगेट को मैंने 572 पे प्लेस कर दिया है ना, चलिए अभी रिजेक्टेड हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी मैकडबल में 102 का, मैकडबल एन में 102 का लॉस चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। और अभी हमारा हैवल्स में 45 का प्रॉफिट चल रहा है, मैकडबल में 62 का लॉस, देखिए 45 का प्रॉफिट चल रहा हैवल्स, और हैवल्स का टारगेट है 642, 642 पहला टारगेट तो दे चुका है,
दूसरा टारगेट 645 है, तो हम लोग दूसरा टारगेट के लिए रुके हैं। मैक डबल एन हमारा चल रहा है इधर, इसमें 57 का भी लॉस चल रहा है। चलिए देखते हैं, टारगेट हमारा 576 है ना। हाँ, 576 का पहला टारगेट है, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ 576। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग, 31 अक्टूबर 2018 के इंटरडे लाइव ट्रेड में स्वागत है आप लोगों का। चलिए देखिए क्या होता है। दो ऑर्डर मैं ले चुका हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं हैवल्स में 100 का प्रॉफिट चल रहा है और मैकडेवल में 57 का लॉस चल रहा है, एक प्रॉफिट एक लॉस है। चलिए देखते क्या होता है, रिकॉर्डिंग तब तक पॉज करता हूँ। चलिए दोस्तों, लगता है मैकडेवल में स्टॉप लॉस हिट हो सकता है हमारा, मैकडेवल में स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। और अभी आप ऑल पोजिशन देख लीजिए, दोनों ही मेरा पोजिशन भी लॉस में, तो आप देखिए मुझे भी लॉस होता है, कैसे लॉस होता है आप देख लीजिए आपके सामने। समय हो रहा है 9:31 और 47 सेकेंड, तारीख है 31 अक्टूबर। तो देखिए मैक डबल में मेरा शायद स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मैं 564 पे हूँ और ये 565 चल रहा है अभी, ठीक है। चलिए देखते हैं, अभी तक स्टॉप लॉस हिट तो नहीं हुआ, हो सकता है अब हो जाए। चलिए देखते हैं, दोस्तों मैंने दोनों को यहाँ स्प्लिट कर दिया है विंडो में। अभी हैवल्स में 80 का प्रॉफिट चल रहा है मुझे, आप यहाँ पे देख रहे हैं 80 का प्रॉफिट, और ऊपर मैक डबल में 107 का लॉस चल रहा है। ओवरऑल पोजीशन आप मेरा यहाँ देख लीजिए, दो ही पोजीशन है ओवरऑल, ठीक है। 80 का प्रॉफिट हैवल्स में और मैक डबल में 122 का लॉस चल रहा है। चलिए देखते हैं, अभी दोनों को मैंने यहाँ स्क्रीन पे लगा दिया एक साथ, ठीक है, ऊपर और नीचे, ऊपर मैक डबल है और नीचे हैवल्स है। चलिए देखते हैं इसमें क्या मिलता है हमें। मेरा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, मैक डबल में बच गया है, अभी फिलहाल बचा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। दोनों चल रहा है आपके सामने। तो दोस्तों आप यहां देख रहे हैं, समय हो रहा है 9:43:12 और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है मैकडेवल लाइन में। देखिए 205 का मैंने लॉस बुक कर लिया उसमें, और एक हैवल्स में लॉस 370, यानी आज दोनों ट्रेड मेरे लॉस में गए। तो देखिए मेरा भी लॉस होता है, कैसे मेरा भी स्टॉप लॉस हिट होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस ये हिट हो जाएगा, बस हिट हो गया, खेल खत्म, और मैंने लॉस बुक कर लिया और ट्रेडिंग बंद, ठीक है। अब इससे ज्यादा ट्रेड करने का कोई जरूरत नहीं है, आपने देखा 400 और 200 का लॉस मैंने ले लिया और कहानी हो गया खत्म। तो दोस्तों अब मुझे बैंक भी जाना है, और मैं देखता हूँ अगर बैंक में कोशिश करूँगा कुछ मोबाइल से अगर ट्रेड कर पाया तो मैं बाद में जब बैंक से रिटर्न आऊँगा तो फिर आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अभी समय हो रहा है 9:43 और अभी मेरा ओवरऑल लॉस हुआ है जो आपको मैंने दिखा दिया। तो अभी मैं बैंक निकलूँगा यहाँ से, उसके बाद बैंक से आके आपको अपडेट करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, तो मैं अभी वापस आ गया बैंक, जरा गया था कुछ काम से, और ट्रेड करने के बाद सुबह में जो मैंने आप लोगों के सामने ट्रेड किया था उसके बाद बैंक चला गया था, और बैंक से जस्ट आया तो मैंने बैंक में ही कुछ ट्रेड किया था मैकडेवल वगैरह पे, और अभी आने के बाद एक टाइटन में छोटा सा 50 क्वांटिटी का ट्रेड किया था। तो आपको मैं ओवरऑल लॉस दिखा देता हूँ और प्रॉफिट दिखाता हूँ जो भी हुआ है, ठीक है। अभी आप तारीख देख लीजिए और समय देख लीजिए, 2:29 हो रहे हैं 48 सेकेंड, और 31 अक्टूबर जो है डेट है। तो चलिए मैं आपको ओवरऑल पोजिशन दिखा देता हूँ पहले। देखिए मैं बैंक में कुछ मोबाइल से ट्रेड किया था और वहाँ पे बहुत सारे कॉल भी मुझे आ रहे थे, तो मैं लोगों को बता भी दे रहा था कि मैं भाई बैंक में हूँ, तो अभी मैं कुछ बता नहीं सकूंगा क्लियर। देखिए मैक डबल में 1155 का प्रॉफिट हुआ, पहले लॉस देख लीजिए, जो सुबह में लॉस हुआ था हैवल्स में 1025 का लॉस हुआ था और मैक डबल में 625 का लॉस हुआ था। उसके बाद ओरो फार्मा में मैंने 25 क्वांटिटी को लिया था, 148 का प्रॉफिट हुआ था। टाइटन को 250 क्वांटिटी लिया था तो 204 का प्रॉफिट हुआ, और मैक डबल को फिर मैंने बैंक में ही 562 के आसपास मैंने बाय किया था, तो ये अब उसमें मुझे 1155 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ओवरऑल यही पोजीशन है दोस्तों मेरा, मेरा कोई अब नया पोजीशन है नहीं, कुछ है नहीं इसमें। तो मुझे जो ओवरऑल लॉस हुआ तो वो हो गया रिकवर, पूरा का पूरा लॉस रिकवर हो गया, तो अब मुझे कोई लॉस रहा नहीं। जो ब्रोकरेज आएगा 200-400 रुपये का, वो ब्रोकरेज आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ आएगा नहीं सारे टैक्स जोड़ने के बाद। तो ये जो लॉस थे मेरे सारे खत्म हो गए, मुझे लगता है 100-150 का लॉस होगा, अब ज़्यादा नहीं होगा। तो ये सोचा मैंने आप लोगों को छोटा सा अपडेट कर दूँ। समय हो रहा है 2:30:59
और तारीख है 31 अक्टूबर। तो सुबह में मैंने टेट लिया था और आप लोगों के सामने फिर बता भी दिया था कि मैं बैंक जाऊंगा। वहां मैं गया तो मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने टेट किया, ठीक है। तो वो टेट अभी मैंने आके आप लोगों को अपडेट कर दिया, ये रिजल्ट दिखा दिया, क्योंकि मोबाइल में मैं रिकॉर्डिंग करता नहीं हूँ, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं पा रहा था, और बैंक में तो संभव ही नहीं है ये चीज़। लेकिन मैंने टेट ले लिया था चूंकि मुझे लेवल याद थे, तो मुझे अपने लेवल याद थे और मैं ध्यान में रखा हुआ था, तो लेवल आया तो मैं 562 के आसपास, और टाइटन को 800, ये जो ब्रेकआउट दिया जस्ट टाइटन ना, टाइटन ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, ये वाला लेवल, ठीक है। टाइटन ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, यहीं पर मैंने दिया था टाइटन को, और टाइटन को मैंने यहाँ आने के बाद लिया है, ठीक है, घर पे आने के बाद टाइटन को यहाँ पे लिया है, ठीक है, 2 बजे। तो ये छोटा सा एक अपडेट था, 50 क्वांटिटी टाइटन में लिया था और मैक डेवल को मैंने बैंक में ही लिया था। तो ये मेरा ओवरऑल पोजिशन था, लॉस हुआ था 1125 का, सॉरी लॉस हुआ था 1025 का हैवल्स में, मैकडेबल में 625 का, बाकी जो प्रॉफिट हुआ मैकडेबल में 1155 का प्रॉफिट, टाइटन में 204 का प्रॉफिट और फार्मा में 148 का। तो ये ओवरऑल ये पोजीशन रहा। तो चलिए दोस्तों, यही था मेरा ओवरऑल आज का इंटरडे ट्रेड। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।